सो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। और ये दोस्तों, आज मैं इस पार्क में गया। इस पार्क का नाम है मंकी पार्क, और इस पार्क में बहुत सारे मंकी रहते हैं, बंदर रहते हैं। और मैं यहाँ पर जब पहुँचा तो यहाँ पर एक ऐसा मंकी मुझे दिखा जिसे देख के मेरी आँखों से आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना पेनफुल प्रोसेस होगा उस बेचारे के लिए। आप जैसे आगे वीडियो में देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा उस मंकी के बारे में, आपको मैं बताऊँगा। और उस मंकी को देखने के बाद ये जैसे दिए, देखिए ये वो मंकी है, ये देखिए। इसके बेचारे का पीछे का जो पार्ट है उससे पैरालाइज है, उसके स्पाइन में दिक्कत है। उसके स्पाइन में या तो कोई चोट लगी है, या कहीं से गिरा है, या किसी ने मारा है, मतलब आई डोंट नो, मुझे फिलहाल पता नहीं है। बट सिम्टम के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बेचारा ऐसे ही पूरे दिन चलता है, पूरे दिन ऐसे ही घसीट के चलता है। और बाकी के जो मंकी हैं वो इधर उधर उछल कूद करते हैं, बट ये बेचारा पूरे दिन यही सब में ऐसे इसका पूरा दिन निकल जाता है। बहुत पेनफुल प्रोसेस है। इसके पीछे पूरा ये रेडनेस हो चुकी है। और ये देखिए, फिर मैं बाहर से इनके लिए केले लेकर आया था। यहाँ पर केले इनको सबको दे रहा हूँ, बट ये आज मैंने पहली बार, ये मेरा पहला वीडियो है, मैंने पहली बार ऐसे पास से किसी मंकी को खाना खिलाया है, मतलब ये केले दे रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और आपको मैं बताना चाहूँगा, आप विश्वास करेंगे कि मेरा फर्स्ट है, बट ये लास्ट नहीं होगा। क्योंकि जो आज मुझे सुकून मिला है, आज इन मंकियों को और ये बेजुबानों को आज मैं ये केले दे के, और ये मतलब एक तरीके की हल्की सी हेल्प करने से मुझे इतना सुकून मिला है। और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को और मोटिवेट कर पाऊँ कि आप भी आगे बढ़ें, आप भी करें ऐसा, मतलब मेजबानों की हेल्प करें। क्योंकि आज जो मैं मोटिवेट हुआ हूँ, दूसरों की वीडियो देख के ही मोटिवेट हुआ हूँ, जो आज मैं इनके लिए कर रहा हूँ। हालांकि मेरा जो काम है, मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, मतलब ये मैं एज ए वेटनेरियन हूँ, प्रोफेशनल वाइज। बट अभी जो उनके सिचुएशन के हिसाब से मैं आज आया था ऐसे ही इस पार्क में घूमने के लिए, क्योंकि मेरी आज ऑफ था। बट आज ऑफ होने के साथ साथ में मैंने जब इनको देखा, ये इतने प्यारे लग रहे थे साथ में, इतने सारे, और इतने शांति से, इतने आराम से, एक एक करके बनवाई बनवाई, जिसको मैं केला दे रहा हूँ, जिसको भी दे रहा हूँ, वो खुद ले रहा है, और लेने के बाद में अपना दूर हो जाता है। बहुत अच्छा लगा। इतने समझदार हैं ये कि मान के चलिए, आप विश्वास नहीं होगा आपको कि इतने समझदार और कैसे ये हैं। किसी को ऐसे बेवजह हार्म नहीं पहुंचाते हैं, जब तक इनको कोई हार्म ना पहुंचाए। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपको कोई भी जुबान दिखे उसको कृपया, आप उसकी हेल्प नहीं कर पाते हैं तो, लेकिन मारे ना, उसको कुछ नुकसान ना पहुंचाएं, और वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मैं श्योरिटी से बोलता हूँ। ये देखिए, मैं आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन मेरा माइक खराब होने के कारण मैं आपको इसमें वॉइस क्लियर नहीं आ पाई, इसीलिए मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। और आप भी ऐसे ही हेल्प करें, बेजुबानों की हेल्प करें। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप आगे ऐसे ही वीडियो देखें।